फ्रेंड, मैं आशुतोष कुमार एमएथ मैजिक में आपका स्वागत करता हूँ। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास लेके आया हूँ, जिससे पहले क्लास में हम लोग ने थर्ड टाइप तक पढ़ा था। आज फोर्थ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज हमारा फोर्थ टाइप है क्या, और यह टोटल कुल मिलाकर आपका 10 क्लास जाएगा। 10 क्लास में यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आप लोग के बीच एनटीपीसी का कुछ सेट जो मैं लेके आया था, फिर उसे कुछ लेके आऊँगा। जो बचा क्वेश्चन है उसको लेके हम जल्द से जल्द आप लोग के बीच आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण हम डेली आप लोग के बीच लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन है टाइप नंबर 4। कहता है चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण 110 रुपये खर्च करने पर पहले से 2 केजी चावल कम आती है, तो चावल का पुराना तथा नया कीमत बताएं। तो चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग इसे रुपया बटा सामान के रूप में लिख दें। ऊपर रुपया को लिख दें और नीचे सामान को लिख दें। तो कहता है क्वेश्चन में कि 110 रुपये खर्च करने पर, 110 रुपया खर्च करता है तो आपको 2 केजी चावल कम आती है, 2 नीचे रुपया बटा सामान। कहता है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो 10/100 यह काम कर देंगे तो यह हमारा नया मूल्य निकल जाएगा, या वर्तमान मूल्य कही, नया मूल्य या वर्तमान मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 11/2, 11 रुपये में 2 केजी, अर्थात 1 केजी का दाम रुपए प्रति केजी। अब आएगा पुराना मूल्य, पुराना मूल्य में भी वही करेंगे, रुपया बटे सामान, तो 110/2 गुणे 10/100, इतना प्रोसेस रहेगा। और यहां 10% की वृद्धि है, वृद्धि होगी तो लिखेंगे 100, अब बटा 10 वृद्धि है तो 100 में 10 जोड़ के नीचे लिखेंगे, अगर कमी होता तो 100 में से 10 घटा के यहां लिखेंगे। 110 से 110, 100 से 100 खत्म, 2 से 2 5 10, 5/1 रुपया 5 और समान 1 केजी, अर्थात 5 रुपये प्रति केजी। नोट करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, क्यों फर्स्ट हो गया, सेकेंड हम लोग आएंगे टाइप नंबर 5। चलो दोस्तों टाइप 5 देखते हैं हम लोग। टाइप 5 में कह रहा है एक व्यापारी 5 रुपये में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होता है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए रुपया इधर, 5 रुपये में 6 वस्तु, 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद कर 6 रुपये 5 की दर से बेचता है, 6 रुपये में 5। पहले रुपया लिखेंगे, फिर सामान लिखेंगे, फिर रुपया लिखेंगे, फिर सामान, क्रॉस गुना कर देंगे। पहला वाला आपका हो जाएगा क्रय मूल्य और दूसरा वाला आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। पहला क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो चलिए 5 से 25, 6 से 36, 25 में खरीद के 36 में बेच रहा है तो लाभ हुआ कि हाँ, तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 36 में से 25 गया 11, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य 25 25 चौबीस 100, यानी 44% का लाभ। चलो नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टाइप 6। एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफी खरीदकर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ प्रतिशत बता। टाइप 6 देखिए, टाइप 6। तो 10 रुपये में 6 टॉफी खरीदा, 10 में 6 खरीदा और इसे बेचता है 5 में 2 की दर से, क्रॉस गुना कर दीजिए। पहला वाला क्रय मूल्य
और दूसरा वाला बिक रहा है, दो दाही 20, पांच छक 30। देखिए दोस्तों 20 में खरीदा और 30 में बेचा तो लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ, तो 10 लाभ गुने 100, चूंकि देखिए 30 में बेचा और 20 में खरीदा तो 10 का लाभ हुआ, लाभ गुने 100 बटा में क्रैम है 20 50। चलो नोट कीजिए इसको, फिर आते हैं टाइप 7 की ओर। देखिए टाइप 7 याद रखिएगा, जब बटखारा का क्वेश्चन हो, तौलने वाला क्वेश्चन हो, तो कुछ नियम देखिए, खैर छोड़िए, हम लोग अगला टाइप 7 देखते हैं। कहता है कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, तब उसका लाभ प्रतिशत होता है। देखिए बोल, 1 केजी में 1000 ग्राम, अब जितना बटखरा का इस्तेमाल करता है वो यहां लिख दीजिए 960। अब आइए ये हो गया क्रय मूल्य, 960 ग्राम बटखरा का इस्तेमाल किया लेकिन बेचा कितना, 1000 ग्राम, तो ये विक्रय मूल्य, यानी खरीदा 960 ग्राम और बेचा 1000, 960 में खरीदा और 1000 बेच दिया, तो लाभ कितने का, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का 40 का, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य है 24 चौका 6 4 से 4 6 24 4 से 25, चार पूर्ण एक घोटा, नोट कीजिए इसको जल्दी। टाइप 7 में आते हैं, हो गया टाइप 8। टाइप 8 कहता है कोई बेईमान व्यापारी 10% हानि का दिखावा करता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत होता है। तो चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, एक हजार ग्राम है कहता है, देखिए जो भी वजन होगा जो बेचेगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए क्या कहता है, कहता है 10% हानि का दिखावा करता है, तो कहता है कि 10% हमको हानि हुआ, तो 1000 का 10% यदि उसको हानि हुआ, मतलब 100 का हानि, तो 1000 है 100 हानि हुआ, तो मतलब 900 में इसको बेचा। और कहता है कि बटखरा में वह क्या करता है, बटखरा जो है वह 20% कम तोलता है, 1000 का 20% कम तोला, यानी 100 ग्राम कम तोला, तो 200 ग्राम, 1000 में से 200 कम तोला, तो 800 में खरीदा और 900 में बेचा तो लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ, 100 का, लाभ गुने 100 बटा में करें 4 × 8 = 25, 25/2 12.2%। चलिए छापिए इसके अगला आते हैं टाइप 9 की ओर। टाइप 8 था आपका, टाइप 9 देखिए, सेम क्वेश्चन। कहता है एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है तथा वह वस्तु को क्रय मूल्य से 4% लाभ पर सामान बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, एक दुकानदार है, यहां देखिए 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम का बटखरा इस्तेमाल करता है और कहता है कि 4% का वह लाभ कमाता है, यानी 1000 का 4% वह लाभ कमाया, यानी 40, 1000 का 4% लाभ, यानी 40 रुपए, यानी 1000 है 40 रुपए लाभ कमाते, हो गया 1040, 840 का चीज बेच कितना रहा, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, 840 का चीज 1040 में बेच रहा था, लाभ कितने का, 200 का, लाभ प्रतिशत, लाभ 200 का, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य है 840, 4 × 8 = 21, 4 से 5,
500 बटा अगर इसको पूर्णांक तोड़िएगा 23.17/21 23.17/21% का इसको दाम। चलिए दोस्तों, तो आज का टाइप हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। प्लीज आप लोग इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।